दीपावली के पांच पर्व। इस वर्ष दीपावली का पंचदिवसात्मक महापर्व 2 नवंबर से 6 नवंबर के मध्य मनाया जा रहा है। इस पंचदिवसात्मक पर्व की शुरुआत 2 नवंबर मंगलवार के दिन धनत्रयोदशी से होगी। 3 नवंबर बुधवार को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। 4 नवंबर गुरुवार को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। 5 एवं 6 नवंबर के दिन क्रमशः गोवर्धन पूजा, अन्नकूट एवं भाई दूज अर्थात यम द्वितीया का पर्व मनाया जाएगा। सबसे पहले दीपावली का प्रथम पर्व धनत्रयोदशी तथा धन्वंतरी जयंती के बारे में जानेंगे। धनत्रयोदशी को धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व दीपावली के 2 दिन पूर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। यह दिन मुख्यतः 2 कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है, धन्वंतरी जयंती के रूप में तथा धनतेरस के रूप में। समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी का प्राकट्य कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को हुआ था। धन्वंतरी ने आयुर्वेद का उपदेश दिया, इसी कारण वैद्यगण इस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हैं। धनतेरस के रूप में इस दिन धनाध्यक्ष कुबेर की पूजा होती है। कुबेर की पूजा के अतिरिक्त दोपहर के पश्चात धातु के बने बर्तन खरीदना आगामी वर्ष के लिए समृद्धिदायक माना जाता है। इस दिन किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए तथा धन के अपव्यय से भी यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए। संध्या के समय घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपदान करना चाहिए। इस दिन दीपदान करने से घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता तथा यमराज भी प्रसन्न होते हैं। अब हम द्वितीय पर्व नरक चतुर्दशी तथा हनुमान जयंती के बारे में जानेंगे। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली तथा हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन सायंकालीन जो दीपदान किया जाता है वह 3 नवंबर को सायंकाल में होगा। नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में एवं राजा बलि के राज में जो दीपमाला प्रज्वलित की जाती है वह 3 नवंबर को ही प्रज्वलित की जाएगी। इस पर्व को छोटी दीपावली के पर्व के रूप में भी माना जाता है। छोटी दीपावली की दीपमाला भी इसी दिन प्रज्वलित की जाएगी। हनुमान जयंती का पर्व भी 3 नवंबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका यथाशक्ति पूजन कर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि का पाठ करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने का विशेष महत्व है। सायंकाल के समय हनुमान मंदिर में गोघृत के दीपदान का भी इस दिन विशेष महत्व होता है। अब हम तृतीय पर्व दीपावली के बारे में जानेंगे। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पर्व मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी का प्राकट्य इसी दिन होने के कारण यह दिन कमला अर्थात लक्ष्मी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही इसी दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास को भोगकर अयोध्या वापस आए थे। इस उपलक्ष्य में भी तभी से दीपमालिका के प्रज्वलन की परंपरा है। इस दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन किया जाता है तथा दीपदान एवं विभिन्न प्रकार की रोशनी की जाती है। लक्ष्मी पूजन के अतिरिक्त इस दिन व्यापारीगण अपने व्यापारिक स्थल की पूजा, तुला, बही खाते, लेखनी और दवात का पूजन तथा कुबेर का पूजन करते हैं। लक्ष्मी पूजन के अतिरिक्त इस दिन भगवान गणेश, महाकाली तथा सरस्वती का पूजन भी किया जाता है। ये सभी पूजन स्थिर लग्न में सायंकाल अथवा रात्रि के समय किए जाते हैं।
अब हम चतुर्थ पर्व गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट महोत्सव के बारे में जानेंगे। दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा की जाती है। कृष्ण भगवान के अवतार से पूर्व इस दिन इंद्र देवता की पूजा की जाती थी। श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करवाई। गोवर्धन के रूप में स्वयं श्री कृष्ण है। इस दिन गोबर से घर के आंगन में गोवर्धन पर्वत की रचना कर उनका पूजन कर तथा उनको नैवेद्य का भोग लगाकर पूजा की जाती है। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। गोवर्धन को गौ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन गायों की सेवा करने का बहुत महत्व है। अतः इस दिन गाय का पूजन कर उन्हें मिष्टान्न आदि खिलाकर उनकी आरती की जाती है। अब हम पंचम पर्व भाई दूज तथा यम द्वितीया के बारे में जानेंगे। यह पर्व कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहन के घर पर जाकर भाई भोजन करते हैं तथा भाई अपनी बहन को अपनी श्रद्धानुसार भेंट प्रदान करते हैं। यम की बहन यमी के द्वारा इसी दिन यम को बुलाकर अपने हाथों से यम को सुस्वादु और पौष्टिक भोजन करवाया गया और उसका अनेक प्रकार से सत्कार किया और टीका किया। यम ने भी प्रसन्न होकर अपनी बहन को अनेक प्रकार की भेंट प्रदान करके प्रसन्न किया। तत्पश्चात यमी ने यम से वर मांगा कि जो बहन इस दिन अपने भाई को भोजन करवाए तथा टीका करे उनकी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए इस त्योहार को यम द्वितीया भी कहा जाता है।